हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक सवाल ये भी है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इस्तेमाल करते वक्त अगर आपको कैलेंडर जैसा डेट ऑफ बर्थ चाहिए, यानी कि आप कैलेंडर से चूज करें डेट ऑफ बर्थ और वहां से डेट ऑफ बर्थ आए, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की अगर बात करें तो आप सीधा यहाँ ब्लैंक डेटाबेस पे जाते हैं, फिर दो व्यूज नजर आएंगे आपको जब आपकी डिजाइन व्यू पे जाएंगे उसमें से, जैसे यहाँ से क्रिएट पे क्लिक किया और यहाँ पर जब जाएंगे तो दो व्यूज नजर आएंगे, एक डेटा शीट व्यू, दूसरा डिजाइन व्यू। तो यहाँ से तो आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, डिजाइन व्यू पे जाते हैं और अपना काम हो जाता है बहुत आसानी से। लेकिन इसको एसक्यूएल क्वेरी में बनाएं तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए आपको क्रिएट पे जाना होगा, क्वेरी डिजाइन पे जाना होगा। ये देखिए, ये क्वेरी डिजाइन आपको नजर आ ही रही होगी, बस इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से नजर आएगा, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। से इसको ऑफ करना है और यहाँ पे एसक्यूएल पे जाना है। अब यहाँ देखिए सेलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर अपने हिसाब से चीजें डिजाइन करनी है। इसको हटाएंगे, हम कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको लिखने का तरीका दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो टेबल बनाएंगे, तो टेबल बनाने के लिए आप लिखते हैं क्रिएट टेबल इस तरीके से और टेबल का नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए टेबल का नाम है कैलेंडर, कैल कर देते हैं कैल, ठीक है। और यहाँ पर टेबल बन गई हमारी। अब इसमें चीजें क्या क्या आएंगी, जैसे इस टेबल के अंदर क्या क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फील्ड डालता हूँ आईडी, ठीक है, जिसका डेटा टाइप मैं क्या रखता हूँ, वेयर केयर रखता हूँ, वेयर केयर। और इसकी साइज मैं 5 रखूंगा और इसे हम लोग प्राइमरी की बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा प्राइमरी की, प्राइमरी की, ठीक है, ये कर दिया हमने। और फिर यहाँ पे कॉमा लगाना है, फिर दूसरा फील्ड नेम कर देते हैं नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे नेम का डेटा टाइप टेक्स्ट रख देते हैं और फिर टेक्स्ट रखने के बाद इसको क्लोज करेंगे और कॉमा लगाएंगे। और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ करना है, तो ये कर दिया डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर बर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पे कैलेंडर के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें डेट, डेटा टाइप, ठीक है। बस आपको डेट लिखना है और यहाँ से इसको टर्मिनेशन देना है और टर्मिनेशन देके इसको यहाँ से रन करवा देना है इस क्वेरी को। तब देखेंगे ये क्वेरी रन हो गई है और जब यहाँ पे आएंगे तो आप आईडी टाइप करेंगे सबसे पहले। तो जैसे मान लीजिए आईडी 1 है सपोज कीजिए, और ये डेट ऑफ बर्थ जो दिख रहा है इसको थोड़ा सा यहाँ से खींच के बड़ा कर लेंगे। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे नाम एक लिख देता हूँ गौरव, ठीक है। और यहाँ पे गौरव की जो डेट ऑफ बर्थ है, अब देखिए ये कैलेंडर से शो करने लगेगा आपको, ठीक है। तो जो भी इनकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से जाके राइट कर सकते हो, ठीक है। जैसे 2001 है तो यहाँ पे 2001 डाल दिया हमने। इसी तरीके से जो सेकेंड आएगा तो यहाँ पे दूसरा जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे रितेश नाम है अगले का, तो यहाँ पे रितेश किया और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी कि ये कैलेंडर वाला हिसाब किताब जो है वो कैसे आएगा, ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसको मैंने बता दिया कि ये कैसे करना है आपको, ठीक है। देखिए जब भी आप एक्सेस व्यू में ऐसे आप जब जाएंगे, देखिए यहाँ पे फिर मैं एक और नाम लिखता हूँ, जैसे गौरव लिख दिया, तो यहाँ पर हमेशा आपको अब ये कैलेंडर मिलेगा, ठीक है। और ये कैलेंडर आप यहाँ से भी लेके आ सकते हैं, जैसे ये तो एसक्यूएल व्यू से रहा, अगर आप सीधा सीधा यहाँ क्रिएट पे जाएं, टेबल पे जाएं, तो क्या ये नहीं बनेगा? तो भी बनेगा। देखिए यहाँ पे टेबल वन के ही नाम से ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मान लीजिए आईडी आ रही है, यहाँ पे नेम लिख दिया हमने, और नेम तो कौन सा डेटा टाइप होता है, नेम होगा टेक्स्ट डेटा टाइप, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, डीओबी लिखते हैं यानी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको मिल जाता है, क्या मिलता है, देखिए डेट एंड टाइम मिल रहा है, लेकिन वहां पर जब लिखेंगे ना एसक्यूएल क्वेरी में तो आप सिर्फ डेट ही लिखेंगे। और ये वही चीज है, सेम चीज यहाँ से भी आ जाएगी, तो ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा आसान है। आप देख लीजिए, आपको जो भी ठीक लगता हो इसमें कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी सेम चीज आ रहा है, देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप चूज कर सकते हैं इस तरीके से जाके। यहाँ पे श्याम दूसरा नाम लिख दिया हमने और यहाँ पर भी सेम चीज चूज कीजिए यहाँ से जाके, ठीक है। तो कोई भी ऐसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात आपकी समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।